कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। दोस्तों आज की कहानी है रतन टाटा के ऊपर, जिन्होंने एक अपमान के बदले बदल दी टाटा मोटर्स की तकदीर। जी हाँ, ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी ही नहीं, उसमें इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी। ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे कहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड का यह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को नहीं बेचेंगे और लग गए उस कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी तो सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वही इस घटना के बाद से फोर्ड कंपनी साल 2008 तक आते आते काफ़ी घाटे में हो गई। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और आज टाटा मोटर्स भारत में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे टाटा मोटर्स की कहानी एक अपमान ने बदल दी। इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको अपनी ज़िंदगी में ना सुनना भी आना चाहिए। अगर आप ना सुनेंगे तो ही आपको खुद से करने की एक हिम्मत मिलेगी। और ऐसे ही और दिलचस्प और मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ कही अनकही बातें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।